स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी सन 1863 को हुआ। उनके घर का नाम नरेंद्र दत्त था। उनके पिता विश्वनाथ दत्त पाश्चात्य सभ्यता में विश्वास रखते थे। वे अपने पुत्र नरेंद्र को भी अंग्रेजी पढ़ाकर पाश्चात्य सभ्यता के ढंग पर ही चलाना चाहते थे। नरेंद्र की बुद्धि बचपन से ही बड़ी तीव्र थी और परमात्मा को पाने की लालसा भी प्रबल थी। इस हेतु वे पहले ब्रह्म समाज में गए, किंतु वहां उनके चित्त को संतोष न मिला। सन 1884 में विश्वनाथ दत्त की मृत्यु हो गई। घर का भार नरेंद्र पर पड़ गया। घर की दशा बहुत खराब थी। कुशल यही थी कि नरेंद्र का विवाह नहीं हुआ था। अत्यंत गरीबी में भी नरेंद्र बड़े अतिथि से भी थे। स्वयं भूखे रहकर अतिथि को भोजन कराते, स्वयं बाहर वर्षा में भींगते, लेकिन अतिथि को अपने बिस्तर पर सुला देते थे। रामकृष्ण परमहंस की प्रशंसा सुनकर नरेंद्र उनके पास पहले तो तर्क करने के विचार से ही गए थे, किंतु परमहंस जी ने देखते ही पहचान लिया कि ये तो वही शिष्य है जिसका उन्हें कई दिनों से इंतजार था। परमहंस जी के कृपा से इनको आत्म साक्षात्कार हुआ। फलस्वरूप नरेंद्र परमहंस जी के शिष्यों में से प्रमुख हो गए। संन्यास लेने के बाद इनका नाम विवेकानंद हुआ। स्वामी विवेकानंद अपना जीवन अपने गुरुदेव स्वामी रामकृष्ण परमहंस को समर्पित कर चुके थे। गुरुदेव के शरीर त्याग के दिनों में अपने घर और कुटुंब की नाजुक हालत की परवाह किए बिना, स्वयं के भोजन की परवाह किए बिना गुरु सेवा में सतत हाजिर रहे। गुरुदेव का शरीर अत्यंत रुग्ण हो गया था। कैंसर के कारण गले में से थूक और रक्त, साथ ही कफ वगैरह भी निकलने लगा था। इन सब की सफाई वे खूब ध्यान से तन मन धन से किया करते थे। एक बार किसी ने गुरुदेव की सेवा में घृणा और लापरवाही दिखाई और घृणा से नाक और भौहें सिकोड़ ली। यह देखकर विवेकानंद को गुस्सा आ गया। उस गुरु भाई को पाठ पढ़ाते हुए और गुरुदेव के प्रत्येक वस्तु के प्रति प्रेम दर्शाते हुए उनके बिस्तर के पास रक्त कफ वगैरह से भरी थूकदानी उठाकर पूरी तरह से पी गए। गुरु के प्रति ऐसी अनन्य भक्ति और निष्ठा के प्रताप से ही वे गुरु के शरीर और उनके दिव्यतम आदर्शों की उत्तम सेवा कर सके, स्वयं के अस्तित्व को गुरुदेव के स्वरूप में विलीन कर सके, समग्र विश्व में भारत के अमूल्य आध्यात्मिक खजाने की महक फैला सके। उनके इस महान व्यक्तित्व के निम्न में थी ऐसी गुरु भक्ति, गुरु सेवा और गुरु के प्रति अनन्य निष्ठा। 25 वर्ष की अवस्था में नरेंद्र दत्त ने गेरुआ वस्त्र पहन लिए। तत्पश्चात उन्होंने पैदल ही पूरे भारत वर्ष की यात्रा की। सन 1893 में शिकागो में विश्व धर्म परिषद हो रही थी। स्वामी विवेकानंद जी उसमें भारत के प्रतिनिधि के रूप में पहुंचे। यूरोप और अमेरिका के लोग उस समय पराधीन भारतवासियों को बहुत ही हीन दृष्टि से देखते थे। वहां लोगों ने बहुत प्रयत्न किया कि स्वामी विवेकानंद को सर्वधर्म परिषद में बोलने का समय ही न मिले। एक अमेरिकन प्रोफेसर के प्रयास से उन्हें थोड़ा समय मिला, किंतु उनके विचार सुनकर सभी विद्वान चकित रह गए। फिर तो अमेरिका में उनका बहुत स्वागत हुआ। वहाँ इनके भक्तों का एक बड़ा समुदाय हो गया। 3 वर्ष तक वे अमेरिका में रहे और वहाँ के लोगों को भारतीय तत्वज्ञान की अद्भुत ज्योति प्रदान करते रहे। अध्यात्म विद्या और भारतीय दर्शन के बिना विश्व अनाथ हो जाएगा, यह स्वामी विवेकानंद जी का दृढ़ विश्वास था। अमेरिका में उन्होंने रामकृष्ण मिशन की अनेक शाखाएं स्थापित की। अनेक अमेरिकन विद्वानों ने उनका शिष्यत्व को ग्रहण किया। वे सदा अपने को गरीब का सेवक कहते थे। भारत के गौरव को देश देशांतरों में उज्जवल करने का उन्होंने सदा प्रयत्न किया। 4 जुलाई सन 1902 को उन्होंने देह का त्याग कर दिया। ऐसे थे हमारे स्वामी विवेकानंद। अब आप पल पल की खबरों से रहेंगे अपडेट। इसके साथ ही अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें और वीडियो अच्छा लगने पर लाइक और शेयर जरूर करें।